नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ एक अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं और अप्रेंटिस कैंडिडेट फिजिकल हैंडीकैप हैं। और आप लोग में से बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो पीएच हैं, फिजिकल हैंडीकैप हैं। तो उन्होंने मुझे कमेंट करके पूछा कि किसी फिजिकल हैंडीकैप के साथ आप एक वीडियो लाइए, क्या वो अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये ऑलरेडी अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं। और इनसे हम आज कुछ जानने का प्रयास करेंगे, इनका 10th में कितना मार्क्स है, उसके बाद ITI में कितना मार्क्स है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि जो फिजिकल हैंडीकैप है इनके जो लोग हैं कौन सा ट्रेड करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपका ITI ट्रेड क्या है? इलेक्ट्रिशियन है। आपका नाम क्या है? शेख इस्माइल है। और आपका 10th में कितना मार्क्स है और ITI में कितना मार्क्स है? 10th में आपका 80% है, ITI में 90%। और ITI में आपका कितना परसेंटेज है? 90% है। 90% है। दोनों को अगर मर्ज किया जाए तो कितना बनेगा? 90 और 80 को जोड़िए, 90 और 80 जोड़ने के बाद 170 आ रहा है। 170 को बाई टू कर दीजिए, बाई टू आपका आएगा कितना? 85। यानी 85% पर आपका अप्रेंटिसशिप में चयन हो गया है। तो आपका अप्रेंटिसशिप में कहाँ चयन हुआ है, कौन से जोन में, कौन से जगह पे, ये बताइए। गुत्ती डीजल शेड लोको में अप्रेंटिसशिप ज्वाइन हुआ मैं, डिविजनल गुंटकल है, साउथ सेंट्रल लेवल जोन में हुआ है, डिवीजन इनको मिला है गुंटकल, डीजल लोको सेट गुत्ती में इनका चयन हुआ है। सही है, ठीक है। तो किस प्रकार का आपको काम मिल रहा है, जैसे कि अप्रेंटिसशिप में जो आपके जैसे लोगों, मेरे जैसे लोग को उतना ज्यादा काम नहीं लगेगा, और कोई कर सकता काम वही काम लगता है, लेकिन आसान का काम ही लगता है, आसान का काम। हाँ, वो तकलीफ का हार्ड वर्क नहीं देते वो लोग, हैंडीकैप है ना उसलिए नहीं देते। आप क्या वर्क कर सकते हो वही वर्क देता। मेरे को पहले मैं 10 days में लिखने का वर्क और लैपटॉप वर्क दिए मैंने, उसने नहीं करा। मेरे को नॉलेज मालूम होना चाहिए, इसलिए इलेक्ट्रिशियन में लोगों को कैसा इलेक्ट्रिकल सभी मालूम करने के लिए मैं अब वर्क करता हूँ। मेरा कोई भी वर्क करता हूँ, थोड़ा थोड़ा से, हार्ड वर्क नहीं करेगा, थोड़ा थोड़ा वर्क कराएगा सर। ये बाई बर्थ है कि कब से है? बाई बर्थ। तो किस प्रकार का आपका ये डिसेबिलिटी है थोड़ा बताइएगा, जैसे थोड़ा देर बाद कुछ बात हो रही है, थोड़ी देर बाद, ठीक है मैं करता हूँ, एक मिनट में। हाँ ठीक है, थोड़ा इधर आ जाइए। आपका हैंडीकैप कितना परसेंटेज है? मेरे हैंडीकैप सर्टिफिकेट में तो 85% है। 85% है, बहुत ज़्यादा परसेंट है, लेकिन मेरे को उतना ही प्रॉब्लम है उसलिए उतना ही डाला। OH आते हैं ना? हाँ, OH नहीं, MD बोलते हैं, MD में आते हैं। MD मतलब मस्कुलर डिस्ट्रोफी बोलते हैं उसको। तो जैसे कि आपका बॉडी में किस प्रकार से प्रॉब्लम है? ये प्रकार से बॉडी पूरा आता है, वन लेग और वन हैंड वही नहीं, बॉडी पूरा आता है ये प्रॉब्लम। तो मस्कुलर मसल्स है ना, मसल्स को वीक करता वही है उसमें। थोड़ा चल के आप बताइएगा, अभी थोड़ी देर बाद पौने छः बताइएगा। 545। जो लोग आपके जैसे हैं, जैसे MD कैटेगरी में हैं, तो MD कैटेगरी में बहुत कम लोग रहते हैं, बहुत कम लोग, हाँ ज़्यादा लोग नहीं रहते MD में भी। जो जिनको डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी है, जो लोग PH से मतलब फिजिकल हैंडीकैप हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहिएगा, उन लोगों को कौन सा ट्रेड करना चाहिए आपके हिसाब से? मैं अपना भी ओपिनियन रखूँगा। फिजिकल डिसेबिलिटीज को इलेक्ट्रिशियन और सिविल इंजीनियरिंग बेस्ट लगेगा, और फिटर वही नहीं, और एक रहता कंप्यूटर ग्रुप वही भी अच्छा लगेगा, थ्री ट्रेड्स अच्छा लगेगा उसमें, वो थ्री ट्रेड्स अच्छा। ये मैं अपने तरफ से ओपिनियन रखना चाहता हूँ, उनको अगर ITI करना है, ITI करना तो आपने और भी ट्रेड बताया है, तो उसमें एक और ट्रेड आप जोड़ लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का जो ओरिजिनल काम है ना, वह कहाँ, टेबल वर्क है, टेबल पर बैठ करके कुछ मेंटेनेंस करने का काम है, तो यह ट्रेड मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट है आपके कैटेगरी के लोग को लिए। जैसे कि इनका जो बॉडी है पूरा वीक है, इनका हाथ भी वीक है और पैर भी वीक है, तो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं फिजिकल हैंडीकैप हैं, तो इस वजह से वो लोग अप्लाई वगैरह नहीं करते हैं।
सही है। बहुत सारे छात्र आईटीआई भी नहीं करते हैं, वो लोग समझते हैं हम है दिव्यांग है ना, हमको नहीं आएगा उधर अप्रेंटिसशिप, उधर क्यों वर्क रहेगा, वैसे ही समझते हैं, इसलिए नहीं अप्लाई करते, आने के लिए डरते हैं कुछ लोग। वैसे ही कोई भी नहीं डरना चाहिए, इधर आसान से हो जाएगा सभी को, और डिजेबिलिटी पर्सन को अभी ज़्यादा चांस मिलेगा इधर, इधर आके देखना तब मालूम हो जाएगा आपको। आप रेलवे में अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा बताइए? मेरे को मिलेगा अच्छा बेनिफिट लगेगा, और आईटीआई के बाद अप्रेंटिसशिप करने के बाद 1 ईयर ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा इधर, उसके बाद हम ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आता ना तब अप्लाई करना चाहिए, तब हमको 30 मार्क्स 25 मार्क्स आएगा तब नौकरी आएगी, आ जाएगी आसान से आ जाएगी। सभी लोगों को कुछ तकलीफ रहती है, डिजेबिलिटी पर्सन को जल्दी से आएगी। अप्रेंटिसशिप ना भी करते तो भी ग्रुप डी में आपका फिजिकल टेस्ट माफ था, तो आपको रिटेन में बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। आप अप्रेंटिसशिप कर लिए हैं तो जो अप्रेंटिसशिप का जो मार्क्स आएगा इसका 1/3 और ग्रुप डी में जो रिटेन एग्ज़ाम में जो आप नंबर लाइएगा वो दोनों जोड़ के आपका कट ऑफ तैयार किया जाएगा, इस तरह से आपको बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों आप लोगों को यह जवाब मिल गया होगा, जो लोग फिजिकल हैंडीकैप हैं वो लोग भी अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं रेलवे में, इसका एक जीता जागता उदाहरण मैं आप लोगों को दिखाया हूँ, मेरे साथ ही ये अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, इतना समझिए। दोस्तों इनका आप डिसेबिलिटी देख सकते हैं किस प्रकार का इनका डिसेबिलिटी है, इस प्रकार के डिसेबिलिटी है इनको कि ये चप्पल तक नहीं पहनते हैं, ये कभी भी किसी भी परिस्थिति में ये चप्पल नहीं पहनते हैं, इसी तरह से हमेशा चलते हैं, और भगवान न करे किसी के साथ इस तरह की डिसेबिलिटी हो, फिर भी दोस्तों ये हार नहीं मान रहे हैं, उसी तरह से आप लोगों को भी हार नहीं मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, जो लोग देख रहे हैं उन लोग को एक जानकारी मिली कि वो लोग फिजिकल हैंडीकैप अगर कोई है तो वो लोग भी अप्रेंटिसशिप कर सकता है, और रेलवे में जो फ़ायदा मिलेगा अप्रेंटिसशिप का जो फ़ायदा मिलता है उनको भी वो फ़ायदा मिलेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और आईटीआई ट्रेड ऐसे ही कोई मत उठा लीजिएगा, थोड़ा सोच समझ के आप लोग आईटीआई ट्रेड कीजिएगा, सही है, ठीक है, हाँ ठीक है। बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।